अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एथर और जो आज वीडियो है संडे मार्केट के हवाले से, आज हम मार्केट करेंगे, आप शेयर करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ मार्केट में, जिसके हम हमेशा करते हैं कि मार्केट में जालौन के पास कौन से सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसके हैं और कौन सा बर्ड डिक्लाइन पर जा रहा है और किस बर्ड की जो है वो डिमांड चली है। सारी चीज़ें आपको आखिर में एक रिव्यू देंगे कि मार्केट में हमें क्या चीज़ बेहतर मिली और रेट किसके बेहतर थे और क्या चीज़ डालनी चाहिए। और लोकल मार्केट के हवाले से मैं आपको हमेशा इसलिए अपडेट करता हूँ कि लोकल मार्केट में क्या चल रहा है और जाल वाले क्या ले रहे हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे और आपको आखिर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ओवरऑल मार्केट का रिव्यू दें कि मार्केट में क्या चीज़ बिकी और क्या चीज़ कम रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह वीडियो कब तक करते हैं। ओके जी डब दोस्त, कितने की खरीदी आपने? ये 500 रुपये। अच्छा, ये पट्टे हैं अभी 500 रुपये के इन्होंने लिए और मार्केट में डब आज नज़र आ गई हैं। दोस्त ये कौन सी हैं? लेडी गोल्डी है। पटे हैं ये भी बड़े हो रहे हैं। फूल है, फूल है। ये वाला? ये तो लाल है, लाल है। नहीं, ये जो साइड बैठी है इसका हेड, अगर वो मेल है ना, फीमेल है, पियर है पूरा। क्या प्राइस बोल रहे हैं इसके दोस्त? ये 7000 रुपये पियर के जी। और ये स्ट्रॉबेरी जो है लाल, जिसको ये लाल का मेल है, इसके क्या रेट बोल रहे हैं? इसके 600 रुपये। ये ब्रीडर है? ये ब्रीडर फूल है। ओके, और ये आपके पास बजरी हैं? बजरी अंडर साइज के पट्टे हैं। ओके, इसी क्या प्राइस है? ये 300 रुपये का दाना है, 400 का दाना है, पहले इसमें क्रिस्टिड वगैरह है। ये डबल क्रिस्टिड है, ये अच्छा है, ठीक है दोस्त। ओके जी, बहुत साफ़ सुथरा माशाल्लाह से माल है और अच्छी चीज़ जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ उसमें से ये बेहतर चीज़ TCB मुझे अच्छे लगे, साफ़ चीज़ है TCB के अंदर और एक होम अग्रोम का दाना है। पट्टे हैं दोस्त, पराता करते हैं। TCB क्रिस्टेड भी है और क्रिस्टेड अच्छा क्रिस्टेड है। दोस्त क्या प्राइस बोल रहे हैं स्पीयर के? जो 7 बैठा हुआ है इधर, ये पट्टे TCB के जो है ना, ये मैं आप दे रहा हूँ 5000 रुपये पियर। 5000 का पियर जी। ओके, अच्छे, इसके साइज भी माशाल्लाह से अच्छे हैं। ये इनके ही हैं, अंडर साइज के ही। अंडर साइज के, अभी ये मोल्ड करेंगे, अभी तो पट्टे हैं, ये अभी तो तकरीबन ये 3 महीने 2.5 महीने के। ओके, और ये वाला जो पियर है साइड में, ये जो पियर मांग रहा हूँ तकरीबन 12000 रुपये। ये भी मादा जो है ना TCB में से निकली हुई है। TCB ओगुरोमो? हाँ, ये बजरी में आ गई है, स्प्लिट है उनकी, स्प्लिट है ये ओगुरो में बनी हुई है। TCB की निकली हुई है और केस्ट्रेट का नाम है TCB केस्ट्रेट का। इसके फाइनल प्राइस क्या बोल रहे हैं आप दोस्त? यार अभी 10 लगे हैं इसके, मैंने 12 मांगे फाइनल। अच्छा, अभी 10 लगे। और ये लास्ट पियर बैठा हुआ, उसके भी ये भी सेम प्राइस है। सेम प्राइस है। अच्छा, मैं आपको चीज़ दिखाने का मकसद ये था कि बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ है। ये हो गुरु। अच्छा, इसकी जो है वो फिनिशिंग साफ़ है, अभी ये साइज़ जो है वो अभी कलरिंग ये और साफ़ करेंगे, अभी मोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल ही ये क्लियर हो जाएंगे TCB। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके दोस्त, ये क्या चीज़ है? ये रेडाइस हो गए स्प्लिट है। और रेडाइस हो गए, ये ब्लैक आई में बने? नहीं, रेडाइस है, रेडाइस ही है, रेडाइस ही है। Okay. इनके माँ बाप ओगो है, ओगो के स्प्रेड है। क्या प्राइस बोलना इसके? इसके 5000। 5000 रुपये दोनों मेल हैं? दोनों मेल हैं जी। ओके, दोनों स्प्लिट मेल हैं, ओगो के रेडाइस के, ठीक है दोस्त। ओके जी, इसमें जो है वो सारे तकरीबन मैक्सिमम जो है वो फीमेल जो है वो ब्रीड के ऊपर हैं, ओगो रोमो की स्पेशली। दोस्त सारे बड़े दाने हैं, मतलब ये होम ब्रीड है क्या, एक्सपोर्ट क्या है ये? ये अभी मतलब ब्रीड भी अभी यंग हो गए हैं, मतलब के हो गए हैं अभी, ये और साइज निकालेंगे ब्रीड के बाद। दोस्त ओगोरोमो का क्या प्राइस बोल रहे हैं? ओगोरोमो जो है 3000 रुपये पेयर बोल रहा हूँ ये पटों के, और जो सा ग्रीन वाला मेरे पास है एक ही पेयर है वो 10000 रुपये। ये इसका फ्लावर माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये अपनी फुल फ्लावर में, फुल फ्लावर में। अच्छा, फुल फ्लावर में कितने बेडल होते हैं? मैंने इतना गौर नहीं किया। हाँ, ये अभी मैं आया हूँ इस फील्ड में, ओगो की में। Okay. पहले तो ये क्रिस्टेड रेडाइस इसमें रखे हुए थे। ओके, और ये जो व्हाइट में है रेडाइस में, ये क्या ये साइज है? ये अंडर साइज है, अंडर साइज में, साइज बड़े। हाँ, क्या प्राइस बोले इसके? इसके मैं 2000 रुपये पी दाना बोल रहा हूँ पर पीस जो है वो दोनों 4000 रुपये पक दिया। ये भी रेडी टू ब्रीड है, इसमें मुझे लग रही है कि वो इसमें क्रिस्टेड भी है, क्रिस्टेड भी हैं। उसके प्राइस क्या है? उसके भी 2000 रुपये वो सेम प्राइस है। ओके, जो क्रिस्टेड में उनका साइज थोड़े छोटे हैं शायद जैसे। और दोस्त यहाँ पर क्या है? फेलो क्रिस्टेड, फेलो क्रिस्टेड हैं ये 1000 रुपये और 1500 रुपये। जो डबल क्रिस्ट है वो 1500 बोल रहा हूँ, सिंगल जो सा है वो जैसे मकसद ये सामने बैठे हुए हैं
इसमें आपके पास एक गाना है किंग का, या अंडर साइज कह सकते हैं, अंडर साइज किंग अंडर साइज है ये। क्या प्राइस बोले इसका? ये 2000 में सिंगल पीस। सिंगल पीस अब बड़े साइज में है और फेलो केरिस्ट है इनके पास, ज़्यादातर अच्छे केरिस्ट में है। ये लोकल ब्रीड है आपकी अपनी? लोकल ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, लोकल ब्रीड है। रोकी भी है काफ़ी टाइम से? ये रोकी हुई थी, अभी मैं TCV के उसमें आया हूँ। ये सारे जो है वो सारे तकरीबन मैक्सिमम पेयर जो है वो ब्रीड के ऊपर है? ब्रीड के ऊपर है जी हाँ, बिल्कुल ब्रीड के ऊपर है। एक दिन आपके पास ये TCV भी है? जी हाँ, ये मैंने, ये मादा है एक TCV की क्रिस्टेड जी हाँ, ये मैंने खुद परचेज की है 3000 रुपये की। आपने घर के लिए लिया? जी हाँ। ठीक है ओके जी। मौसम थोड़ा सा इस वजह से माल ऐसा लग रहा है, ये खाना लगेगा इसको और धूप में रखा हुआ आपने बेहतर है। सर्दी लगती है माल थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन कोशिश करें रिकवर करें, धूप में रखें। बैठ गए तो मैं कंप्लीट करता हूँ, आता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, वरना माल बचता नहीं है। अगर सर्दी लग जाए और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो माल बचता नहीं है। बाकी अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त आपके पास म्यूटेशन है अलग अलग लुटी में क्या रेट बोल रहे दोस्त? पेयर ब्रीडर पेयर है या? ये ब्रीडर पेयर है, ब्रीड कर चाहिए आपके पास? क्या प्राइस बोल रहे हैं इसके? 2500 फाइनल है। ओके, और फिशर के तो आपके पास पट्टे हैं? ये फिशर के पट्टे हैं। इनकी क्या प्राइस है? फिशर 1000 रुपये का जोड़ा पेयर। ओके, और ये आपके पास वॉलेट पड़ा हुआ है? एक डबल फैक्टर है, एक सिंगल फैक्टर है। डबल फैक्टर 3000 पीस है और सिंगल फैक्टर 2000 का पीस है। ओके, ये दोनों फीमेल है? हाँ, ये दोनों फीमेल। मैं आपको दिखाता हूँ डबल फैक्टर और जो इनको ये बोल रहे हैं, असल में ये वाली फीमेल जो है वो बेहतर है, ये वाली, और इसका कलर इतना ख़ास नहीं है। आपके सामने दोनों ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मूव के दाने, मूव के क्या? मूव के ये यंग पेयर है, क्या आपको 2500 का फाइनल मिल जाएगा? ठीक है दोस्त, अभी ये थोड़े टाइम लेंगे। हाँ, क्या हुआ? और दोस्त क्या लाए हुए? क्या लाए हुए? और इन ट्रिपल ओनी। क्या रेट बोलने भाई इसके? सर इसके 10000 रुपये और इसके 4000। वजह? 10000 की? ये मार्केट में नहीं है किसी के पास, ये कलर मार्केट में नहीं है। चले फिर हम मार्केट ढूंढते हैं, किसी और के पास देखते हैं, फिर आपसे पूछेंगे यार इतना ज़्यादा पैसे क्यों बोल रहे हैं। और इसके 4000 बोल रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल ही उसका पेज जो है वो अलग ही कलर जी, ट्रिपल ओरिज है, ये मार्केट में भी नहीं है, ट्रिपल ओरिज। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मिक्स लाइव है यार, मिक्स प्लेट है। हाँ, मिक्स प्लेट है और एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन की तरफ आते हैं, रेड आइज मुझे आपके बड़े अच्छे लगे हैं यार। नहीं, होगो स्प्लिट होगा ही है, ट्रिपल केस्टेड में काउंट है। ओके, इसमें एक गाना है ये वाला, ये 1 2 3 4 5 ये होगो सही बना है इसके, ये बेहतर है बस। अच्छा, होगो के प्रॉपर जो होगो होता है उसके जो फ्लावर होते हैं कितने काउंट होते हैं? कम से कम 8 कम से कम 8 और प्रॉपर जो होता है उसके फ्लावर वो तो अच्छे खासे हो जाते हैं। 12 फ्लावर वाला जो है वो, लेकिन 8 में भी ना इधर चलता है। लेकिन जो एक प्रॉपर जो मैं एक व्यूवर्स के लिए हो के नॉलेज बात की है, प्रॉपर जिसके फ्लावर होते हैं होगो के वो काउंट होते हैं 14 के, 12 के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर जो है वो 6-7 जो काम चल रहा होता है मार्केट के अंदर जी। और जो अच्छा जिसकी जो फ्लावर होते हैं उसके फिर रेट भी फिर वही होते हैं। हाँ, जो हम लोग अगर बात करते हैं 6500 में अगर हमें मिल रहा है तो उसके फ्लावर वो नहीं होंगे। हाँ, और जो 25000 का फ्लावर मिल रहा है, जो 25000 का है तो उसके फ्लावर भी होंगे, उस फ्लावर का साइज भी बड़ा होगा। ये जो है पैदल दूसरे वाले होते हैं और जो मेन फ्लावर होते हैं वो उसके पैसे भी अलग होते हैं, पैसे अलग होते हैं। यही बात एग्जीबिशन के ऊपर है, जो साइज यहाँ पर मिल रहा होता है और जो मार्केट में और जो घर से लेके जाएंगे अच्छे साइज वो अच्छे साइज होते हैं। फिर प्राइस 25000, फिर वही बोलते हैं मार्केट से हम 6000 का लें और घर से 25000 का क्यों लें, वो ये बात साइज का फर्क होता है, समझ नहीं आती कि क्वालिटी जो है वो चेंज होती है। और ठीक है जी, अभी यहाँ पर प्राइस थोड़े से बहुत मेंशन करेंगे। आपके पास ये वाइट में क्या है? ये वाइट नॉर्मल साइज के पीस निकले हैं, नॉर्मल साइज के। ओके, ये नॉर्मली कहलाएंगे। तो ये इसके वैसे एक एवरेज प्राइस क्या होंगे, इसके ऊपर हम चलते हैं, बस थोड़ी सी बात करेंगे। ये 500 रुपये दाना मांग रहा हूँ फिलहाल, 500 रुपये होगो के स्प्लिट, ट्रिपल के होगो के 2500 रुपये दाने के हिसाब से होगो भी नहीं लाया हूँ, बस एक ही दाना ही आ गया। ओके ओके, इसके नीचे ये क्या है यार? यार ये एग्जीबिशन का बटर रेड है, ये सेल के लिए नहीं लाया था, ये ऐसे धीरे दिखाने के लिए लाया था। बहुत आउट क्लास यार, क्रिस्टेड। हाँ, पट्टा ही है क्रिस्टेड में, क्रिस्टेड रॉन्ग क्रिस्टेड अच्छा है।
असल में मैं इसको दिखा पा सही नहीं पा रहा। इसके अलावा ये आपके पास एग्जीबिशन कौन सा है? ये साइज क्वालिटी साइज है, अच्छा साइज है, बहुत अच्छा साइज है। सब ब्रीडर पेयर हैं, ये सब लगे हुए, मतलब किसी पेयर को भी ऐसा नहीं है कि लेके जाके छोड़ना पड़े या टाइम देना पड़े, ये सब ऐसे लगे हुए, इनको लेके जाएं और बॉक्स लगा दें। अच्छा, होगोरोमो की ब्रीड आ रही है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने खुद एक्सपीरियंस देखा है, लोग करवा रहे हैं होगोरोमो, तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है इसको। और एग्जीबिशन की भी अब ब्रीड जो है वो अच्छी हो गई, भी हो रही है ब्रीड अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने खुद अपने आँखों से, और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया था एग्जीबिशन के ऊपर, अब एग्जीबिशन के ऊपर मैंने काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार बहुत सारे लोगों ने ब्रीड की ले ली है। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारी विटामिन लगाने के बाद और फिर माहौल थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद ब्रीड आई है। लोकल ब्रीड तो बिल्कुल नॉर्मल बजरी की तरह ब्रीड कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो बजरी ही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेड है वो टाइम लेता था, वो भी माशाल्लाह से लोग। अच्छा अजीम, इसके प्राइस क्या है माशाल्लाह से? 12,000 रुपये पेयर। 12,000 पर पेयर। और ये नीचे वाले जो है सब 12,000 रुपये। और ये रेड आइज़ में क्या है? ये भी 12,000 रुपये। ये है क्या किंग नहीं है? किंग क्रस्टेड का मेल है, एग्जीबिशन की ये लगा हुआ प्यार है। ये भी हाँ, सब लगे हुए प्यारे हैं, छः प्यार हैं, छः के छः लगे हुए प्यार हैं। ओके, जिन दोस्तों को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से। प्राइस में कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना? उम्मीद है। हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही होगा, थोड़ा बहुत होगा, चलो इंशाल्लाह हो जाएगा जो भी होगा। ओके जी, आज आप माशाल्लाह से ये होगोरोमो में लाए हुए हैं, होगोरोमो में स्प्लिट भी है, वॉलेट भी है। दोस्त क्या प्राइस है सर इसकी? मेल के 5,000 रुपये, सिंगल मेल के 5,000 रुपये, होगोरोमो का है और वॉलेट कलर में है और ये रेमबो कलर में है। आपके पास मेल बहुत आउट क्लास कलर है, साइज कितना है? जी हाँ, बहुत अच्छा साइज है इसका और मेल रेमबो कलर के अंदर है। लिए आपने ये भी? हाँ, ये मैंने परचेज किया अभी अपने लिए, ये ऐसी चीज़। और बकाया होगोरोमो में स्प्लिट है? स्प्लिट है 2,000 रुपये दाना है। डिस्टर्ब फ्लावर? हाँ, डिस्टर्ब फ्लावर में 2,000 रुपये दाना है, स्प्लिट का 1,000 रुपये दाना है। और ये जो व्हाइट में है ये क्या है? ये भी स्प्लिट है डीएफ का, और डीएफ स्प्लिट ये भी? ये भी 1,000 रुपये दाना है, फीमेल है। ठीक है जनाब, ये आपके सामने है, अच्छी चीज़ें हैं इसमें। ये पीस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, साइज बहुत अच्छा है और कलरिंग ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, मार्केट में जो है ये येलो चेस और वॉलेट, इनसे पता करते हैं रेट। सारे मेल हैं, एक फीमेल है, बाकी मेल। और इनका जो है वो दोस्त, ये ब्रीडर है पट्टे हैं ये? नहीं, ये ब्रीडर है, मतलब बड़े जुड़े हैं, बड़े जुड़े हैं। और वॉलेट के? वॉलेट के भी बड़े पेयर ब्रीड कर चुके हैं आपके पास? जी ओके, दो पेयर ब्रीड कर चुके हैं, एक पेयर जो है वो पट्टों का तैयार है। क्या प्राइस बोल रहे हैं यार ये ब्लैक मास्क के? इसके 5,500 रुपये ब्लैक मास्क के बोल रहा हूँ फाइनल, और 5,000 रुपये मूव वॉलेट के। ये मूव वॉलेट कहलाता है, डबल फैक्टर, डबल फैक्टर में आपके पास वॉलेट में। क्या बोल रहे हैं वॉलेट के? सॉरी 5,000 रुपये। असल में इनका जाल थोड़ा बड़ा है तो मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा। ओके, मार्केट में ये चीज़ भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑरेंज हल्का सा शेड आ रहा है। ओरिजिनल जो येलो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं इनसे। हम चीज़ अच्छी है, वॉलेट की अच्छे हैं जाने माशाल्लाह से। येलो ब्रेस्टेड ही कहलाता है, येलो ब्रेस्टेड है ये, लेकिन ओरिजिनल नहीं है ये, इसमें शेड है। ओरिजिनल जो है वो आज मेरी तस्वीर जो लगी हुई है वो ओरिजिनल है, वो एक दोस्त ने तस्वीर शेयर करी थी, वो मेरे नहीं है। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके दोस्त, ये किंग का पेयर है, एक्टिव पेयर है, एग्जीबिशन नहीं है, लोग एग्जीबिशन बोलते हैं, किंग है। हेड जो है वो किंग का अलग होता है, नेकलेस किंग का अलग होता है। जी जी। दोस्त क्या प्राइस बोल रहे हैं इसके? इसके इसके 6,000 रुपये। और रेड आइस में? जी रेड आइस में। और ये वॉलेट के पट्टे? वॉलेट के पट्टे 3,000 रुपये। 5,000 रुपये। ये पेयर ने ब्रीड तो नहीं करी? नहीं, फर्स्ट ब्रीड करे, फर्स्ट ब्रीड पे जी, हिमादी हीट पे। हीट पे तो ये अगर ब्रीड करेगा तो साइज थोड़ा सा और बढ़ाएगा। जी जी। और ये क्या है दोस्त? ये फेलो क्रिस्टेड है, अंडर साइज के अंदर। और ये ट्रिपल के अंदर है फेलो, और उसके साथ अंडर साइज के अंदर फीमेल है, और ये मेल बैठा हुआ अंडर साइज। 4,000 रुपये अंडर साइज के और क्रिस्टेड के। जी जी। और ये अभी अंडर साइज है? ये भी अंडर साइज है, टीसीबी क्रिस्टेड स्प्लिट है, सारे सब टीसीबी के स्प्लिट है। जी जी, क्रिस्टेड स्प्लिट है। ये लेस विंग में आ जाएगा? जी जी। क्या प्राइस है इनकी? लेस विंग के, लेस विंग 2,000 रुपये पीस ये वाला। जी। और रेड आइज में? रेड आइज में रेड आई का पीस 1,500 रुपये। ओके, और ये जो पीस है इनकी क्या प्राइस है जो अंडर साइज में आप बोल रहे हैं? ये टीसीबी ये वाला, ये ब्लू, ये ब्लू 1,000 रुपये पीस। वजह इसकी थी किसकी? हाँ, ये सब क्रिस्टेड ब्लड है, क्रिस्टेड ब्लड है, टीसीबी ब्लड है, टीसीबी क्रिस्टेड ब्लड है सब। ठीक है, सारी टीसीबी क्रिस्टेड के निकले हुए हैं।
ये तो TCB ही बना है, ये भी TCB बना है और ये भी TCB बना है। इनकी प्राइस सेम है? इनकी नहीं, इनकी प्राइस ये पीस पड़ेंगे 2500-2500 रुपए के TCB जो 2500 पर पीस। इनकी मंथ इसकी एज जो होगी तकरीबन ये 3.5 महीने की? जी 3 महीने 3 महीने के हैं। ओके दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ये एक क्रिस्टल फीमेल है, रेड आइस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपको साइज का अंदाजा और होगा, ये साइज और इस साइज में फर्क है। ओके दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्राइस बोले लोटीनो के? लोटीनो का 3000 रुपये बोले। 3000 रुपये ये ब्रीडर प्यार है? ओके जी, माल साफ है, अच्छी चीज़ है। इस बच्चे की ये चीज़ है, ठीक है जनाब। 3000 रुपये पर पेयर। ये ब्रीड कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे? नहीं करते हैं, करते हुए ठीक है। कुछ एक आध पेयर इसमें, एक आध पेयर इसमें ब्रीड करता हुआ है और बकाया जो है वो ब्रीड करते हुए नहीं है। ओके दोस्त, दोस्त मुँह की क्या प्राइस बोल रहे हैं? मुँह पर 2500 रुपये। 2500 रुपये और ये आपके पास एक रेड आइस है और एक ब्लैक आई है? जी उनके 10000 रुपये हैं, क्योंकि वो माता ब्लैक आइस में रेड आइस में। ओके, नर थोड़ा सा हल्का भी है, थोड़ी सी चोट खराब है। ठीक है दोस्त, काम सही करता। ठीक है दोस्त, मुँह का थोड़ा जोड़ा ठीक है और ये थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, साफ पठे करके अच्छे दोस्त। पठों की क्या प्राइस बोले? 2500 रुपये। एज कितनी होगी? 4 महीने। 4 महीने के पठे हैं ये 2500 रुपये पर पेयर। दोस्त क्या तेरे से है? अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे या ये ऑलमोस्ट 7 महीने के 8 महीने के ब्लैक आई भी है और ब्लैक आई भी है। रेड आई जो है ना वो ब्रीडर है। ब्लैक okay. आई जो ऑलमोस्ट 7 महीने 6 महीने के 7 मंथ प्लस। जी 7 मंथ प्लस है, प्लस ये की कॉलोनी ब्रीड है, इसमें रेड आईज और फीमेल मिक्स है, स्प्लिट हो सकते हैं, सब पॉसिबिलिटी है इसके स्प्लिट होंगे। दोस्त प्राइस क्या है ये ब्लैक आई के? ब्लैक आईज के मैं 5000 रुपये फाइनल मांग रहा हूँ। 7 मंथ प्लस है? हाँ 7 मंथ। और रेड आईज जो ब्रीडर है इसकी प्राइस है वो 16000 रुपये फाइनल। 16000 रुपये ओके। और ये एक दाना है आपके पास लोडीनो पस्ताडा रेड आइस? नहीं ब्लैक आइस है, ये भी स्प्लिट है। ये 80 के प्राइस है? ये 2000 रुपये में मैं छोड़ दूंगा फाइनल। 2000 में आप दे देंगे। उसके अलावा आपके पास ये कॉकटेल है? जी बिल्कुल सर। 80 क्या प्राइस है? और ये एक पल के साथ ग्रे का लगा हुआ, इसकी ब्लड लाइन क्रीम है, दोनों का ब्लड लाइन क्रीम है, ये 2500 रुपये पेयर मांग रहा हूँ मैं। ये जो सेम साथ बैठा हुआ पेयर है ये? जी ये ब्रीड कर चुका है या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक जोड़ा ने ब्रीड किया, अभी एक जोड़ा ने अभी मीटिंग किया लास्ट टाइम। ओके, ये वाला जो है इसके साथ ये लगा हुआ है? जी। इनके क्या प्राइस है? इनके भी 2500 रुपये, दोनों के पेयर के 2500 रुपये। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके यार, ये बहुत बड़ा कबूतर है। क्या नाम है दोस्त? किंग मोटिनो ये। बहुत बड़ा कबूतर है ये, मुर्गी से भी बड़ा। क्या प्राइस क्या होते हैं दोस्त इसके? ये 8 से लेकर 10 हज़ार रुपये तक पेयर होते हैं। ये उड़ते तो नहीं होंगे ज़्यादा? उड़ते हैं लेकिन इतने नहीं उड़ते, थोड़े ही उड़ते हैं, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है। सर मुझे खुद को पर्सनली कबूतर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये वाइट किंग कबूतर है, बहुत बड़े कबूतर हैं ये, कॉमन कबूतर से काफ़ी बड़े। ये बच्चे हैं इनके? हाँ, जैसे कि एक बड़ी मुर्गी होती है उस साइज़ के। आपको ये कहाँ की नस्ल है? ये कराची की है, ये होते बाहर की है लेकिन नस्ल काम कराची की है। नहीं, बाहर से कहाँ से ये? ये अमेरिकन की नस्ल होता है। ओके, ये पेयर कितने के? ये 10000 रुपये। ये फैंसी होते हैं या उड़ने के लिए? उड़ने के लिए वाले कबूतर नहीं है, छोटी चोंच वाला है ये। असल जो चीज़ दिखाने थी मैं जिस वजह से रुका था वो इस कबूतरों में आती। एक अलग से ही नजर आने वाली चीज। कैमरे में वो चीज नहीं दिख रही जितना बड़ा ये कबूतर है। ये सिंगल पीस कितने का ये वाला? ये जी 5000 का सिंगल पीस है और बहुत बड़ा कबूतर है ये।
ठीक है। ओके जी, एलेक्जेंडर के बच्चे आए हुए हैं। दोस्त क्या प्राइस बोल रहे हैं? 12.5। कितनी एज है इनकी? 1.5 महीने। 1.5 महीने के हैं। कराची की ब्रीड है ये? सारे हैंड फीट पे हैं ये और अच्छे साइज हैंड फीट पे ही होते हैं ये। अभी तो जब फुल फ्लावर आएंगे, जब ये सेल्फ पे आएंगे। दोस्त फाइनल प्राइस क्या है इसके? फाइनल प्राइस 12.5। मेल फीमेल इसमें कंफर्म हो जाएगा? मेल फीमेल। ठीक है जनाब, ये आपके सामने है। दोस्त सनकोन क्या रेट? सनकोन 19,000 रुपये के रेट हैं, सेल फीट में ही है जी। एज 3 महीने है। और इस वाले दाल की? ये भी, ये तकरीबन 10 से 15 दिन छोटा होगा इससे। ओके, और ये जो है क्रिमिनो तकरीबन 3-3.5 महीने का है। ये सेल्फ फीड है, फुल सेल्फ फीड पे है। ये प्राइस 23,000 रुपये। और ये पहाड़ी के? पहाड़ी 11,000 रुपये के। आपके रेट कम है सर? देने वाले हैं बस। मार्केट रेट, मार्केट देखते हुए बस निकालने वाली कहानी है अभी। ओके, मार्केट आज अच्छी नहीं है? मार्केट आज अच्छी नहीं है, पहाड़ी की मार्केट वैसे भी कम हो रही है। कम हो रही है, निकालने वाली कहानी करी, वरना इस रेट पे है नहीं। ओके, और ये क्या है? इसके अंदर भी पहाड़ी है? इसके अंदर भी पहाड़ी है। और इसके भी 45 डेज के होंगे? 45 ये 45 के होंगे, 55 डेज के। ठीक है दोस्त। सर क्या प्राइस बोल रहे हैं इसकी? 17,000 रुपये। 16,000। किसी इसकी एज कितनी होगी और इसके वाले की जी? इनकी उम्र कितनी है? तकरीबन 1.5 महीने। 1.5 महीने के हैं। 1.5 महीने प्लस होंगे, 1.5 से 2 महीने। और ये वाले? 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने। ये 17,000 और ये 16,000। ये 16,000, ये 17,000। ये बीट पे आ रहे हैं? खुद करना शुरू कर दी? नहीं अभी नहीं, अभी अभी नहीं करी, लेकिन 2-2.5 महीने और लेगा। 2 महीने और लेगा तकरीबन। ठीक है, माल माशाल्लाह से बहुत अच्छा माल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। येलो रिंगनेक, येलो रिंगनेक फाइनल 16,000 रुपये का है। एज कितनी होगी? एज तकरीबन ये 50-55 दिन के हैं। और ये अलेक्जेंडर? ये अलेक्जेंडर अभी दे दिया मैंने, इसके फाइनल जो है 12,000 रुपये। अच्छा, ये लोकल ब्रीड है सारी? लोकल है, रिंग डला हुआ है हर किसी बर्ड में। ये देखें मेरा रिंग। ये आपके जो है नाम? नंबर बिलाल पटेल, नंबर डला हुआ है। फेसबुक पे पेज भी है गोल्डन बर्ड्स के नाम से, वो लाइक चल रही। वारंटी का प्राइस है? ये फाइनल 12,000 रुपये में देते हैं। इसकी एज भी यही? ये तकरीबन 2.5 के हैं तकरीबन, बड़े बच्चे। ओके, ये ग्रीन रिंग में कहें इनके पास क्या प्राइस बोले सर? 5,000 रुपये एक पर पीस। इसकी क्या एज होगी? ये तकरीबन 2 महीने है। ये 2 महीने का पर एक दाना जो है वो 2 महीने का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये गिरे पैरेट के बच्चे हैं। दोस्त कितने दिन के होंगे? 4 दाने चाहिए बड़े। 32 दिन के। ओके, 32 डेज। प्राइस 38,000 रुपये। 38,000 फाइनल प्राइस? यार प्राइस हो जाएंगे, चले ठीक है। 38 ये बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद ये हो जाएंगे। सर पटे बड़े हंडियों में जाना शुरू हो गए, फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये 1.5-2 महीने में। अंडे ब्लैक आई हैं सारे? हाँ ब्लैक। क्या प्राइस बोल रहे हैं? 4,500 बोल रहा हूँ। 4,500 आप बोले? 7-17 माल है, इसलिए वीडियो मैंने बनाई है। अच्छी चीज़ है, घर की पट्ठे सारे, घर के पट्ठे हैं, बड़े पट्ठे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, वीडियो का एंड करते हैं। माशाल्लाह से ये आपके सामने है माल, आपको दिखाने का मकसद। ये एक जाल वाला के ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा था कि आज मार्केट में माशाल्लाह से ऑर्डर क्या क्या रहे। डफ कॉकटेल, बजरी, ट्रिंचेस, ये सब लोकल है। फिशर और लोटी के ऑर्डर जो है वो ज़्यादा थे, और कॉकटेल के आज मार्केट में जो है वो ओपन मार्केट तो बेहतर नहीं थी, लेकिन जाल वाले ऑर्डर ज़्यादा थे। और डफ मार्केट में बहुत सारा लिए इन लोगों ने, और मार्केट में पट्टे और बड़े। ओपन मार्केट में डफ आने ही दे रहे, उससे पहले ही मार्केट से डफ सारी सेल आउट हो जाती है। अच्छा, जो मार्केट में जो ओपन मार्केट में जो रहा आज, जो डिक्लाइन पर रेट थे वो आपके सामने थे कि होगोरोमो के रेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पर थे। टीसी भी जो है वो डिक्लाइन पर जा रहा है, और होगोरोमो, ये दोनों जो है वो डिक्लाइन के ऊपर है।
ऊपर जाने वाले बर्ड जो है वो आज अपर मार्केट में जो है वो वॉलेट ऊपर गया, लुटीनो दोबारा ऊपर चले गए। लुटीनो जो है वो अपर मार्केट में जो है 3200 रुपये उसके डिमांड कर रहे हैं और 3000 तक में छोड़ रहे हैं। लुटीनो के रेट अच्छे हो गए हैं लुटीनो के। और इसके अलावा जो पट्ठों के नहीं, बड़ों की मैं ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, पट्ठों के रेट सही नहीं है, पट्ठों के रेट कम है, ब्रीडर के जो रेट थोड़े ज़्यादा हुए हैं। उसके अलावा जानवरों के पास भी इसी वजह से कम है, लुटीनो पर नज़र कम आ रहे होंगे क्योंकि ओपन मार्केट में लोगों ने जो है वो लुटीनो की जो है परचेजिंग सेलिंग हुई है। फ्रेंची जो है वो रेट डिक्लाइन पर अभी तक ऊपर नहीं है, बजरी डिक्लाइन पर है अभी तक ऊपर नहीं है, स्टेबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आ रहे। बजरी बहुत टाइम से जो है वो रेट नीचे ही है। ओपन मार्केट में जो है वो जैसे कि लोग खरीदते हैं परचेजर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो लुटीनो के ऊपर आज काम हुआ, वॉलेट के ऊपर काम हुआ। एग्जीबिशन के रेट जो है वो सिर्फ डॉलर बढ़ने की वजह से रेट बढ़े में, बाहर से माल इंपोर्ट नहीं हो रहा और लोकल ब्रीड हो गई है एग्जीबिशन की, अच्छी ब्रीड हो गई है तो लोग जो है वो कॉमन बजरी से हट के, क्योंकि बजरी की ब्रीड सबसे ज़्यादा ईजी है और जो लोकल ब्रीड है एग्जीबिशन की वो बहुत अच्छी हो रही है, आराम से हो जाती है, लोकल बजरी की तरह ब्रीड होती है। इसी वजह से जो है लोग एग्जीबिशन के ऊपर और प्रोग्रामों के ऊपर काम लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि रेट जो है वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी उससे ज़्यादा। असल में जो मार्केट का जो माल है वो फ्लावर के ऊपर सारी बात है, वो के मार्केट के जो माल है वो हमेशा डिक्लाइन पे होता जा रहा है, क्योंकि 7000 से लेके आप वो 4500-3000 तक पे आ गया है। अगर बार्गिंग कोई अच्छी करे तो 3500 तक के पट्टे मिल जाते हैं हुगरों के, तो इसी वजह से लोग जो है वो अब डर रहे हैं कि यार और नीचे ना आ जाए, लोकल बजरी वाला हिसाब ना हो जाए, पहले वाला हिसाब ना हो जाए। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इसके अंदर आके जो रेट वो नीचे आएंगे। एग्जीबिशन के रेट सिर्फ इसलिए ऊपर जा रहे हैं कि उसकी ब्रीड हो गई है और बाहर से माल आना बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, अनलिमिटेड लोगों के पास है माल, इसी वजह से जो माल शॉर्ट होता है उसके रेट जो है वो स्टेबल हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। एल्बिनो जो है वो एक जुआ है, जो भी चल रहा है वह चलने से उसको उसके बारे में थोड़ा बात नहीं करूँगा। बकाया ओवरऑल जो है वो मार्केट आज नॉर्मल थी, मार्केट आज मार्केट नॉर्मल थी। आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसे थे? सॉरी, ऑर्डर किस चीज़ के थे आपके पास जाल पे? हमारे पास बड़ी बजरी का ऑर्डर है, पट्ठे का ऑर्डर है, डव का ऑर्डर है, लुटीनो पट्ठे का ऑर्डर है और फ्रेंच का ऑर्डर है। अच्छा, यार डव बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट है? बिल्कुल शॉर्ट है, असल में ब्रीड नहीं है, लोगों ने खत्म कर दिए। और डब के ऑर्डर हैं, डब का ऑर्डर आता है। 3 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि डब मार्केट से खत्म हो रही है और लोग जी डब खत्म हो रही है, लेकिन जाल वाले ले लेते हैं वो भी इसलिए कि उनके पास ऑर्डर होता है। आप खुद जाल वाले हैं? जी जी, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट से 3 महीने से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में जाल से लोगों के पास डब खत्म कर रहे हैं लोग। जी जी, और डब के रेट बजरी से अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल, और ब्रीड भी खास है। जी जी बिल्कुल, बच्चे दो निकालती है लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो है ये मार्केट का कंडीशन थी, मार्केट आने वाले दिनों में जो है वो डब, अगर वाइट डब तो बिल्कुल ही ख़त्म है। बहुत सारे दोस्त मेरे से कहा था कि डब आप डाल सकते हैं और अभी भी वक्त है कि पिछले एक साल का टाइम होता है, कोई भी चीज़ आए वो बूस्ट करती है, एक साल के अंदर वो रहती है, एक साल बाद जो है वो डिक्लाइन पर आती है, क्योंकि 6 महीने में जो इतनी ब्रीड भरपूर आ जाती है 6 महीने के बाद जो है वो बर्ड फुल डिक्लाइन पर आता है। जैसे कि पेलो आया था या आप कह सकते हैं ब्लैक चेक आई थी, वाइट चेक आई थी, वो उसका पीरियड 1.5 से 2 साल का था, उसके बाद वो डिक्लाइन पे इसलिए आती है कि हर बंदा डाल लेता है और हर बंदे के पास कॉमन ब्रीड आती है। एग्जीबिशन अभी बात किसी के पास कॉमन ब्रीड अच्छी नहीं आई, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने अच्छी ब्रीड ली है, चंद एक मेरे जानने वाले जिनके पास ब्रीड अच्छी आई है, किंग बजरी की अच्छी ब्रीड आई है, किंग बजरी की माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड आ चुकी है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।